यार पूरा गांव पानी पानी हो गया है, ठीक रहा होगा नाले में पानी पानी। ऐसा पूरी तगड़ी बारिश हो चुकी है रात में और अभी तक बारिश हो रही है, रात के 2 बजे से लेकर के अभी तक बारिश हो रही है, तो ये नज़ारा है भाई, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब फाइनली काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो चुकी और मैं यार देख सकते हो हल वगैरह लेकर के जा रहा हूँ खेतों की तरफ। यार ज़्यादा बात ना करते हुए यार मैं चलता हूँ खेतों की तरफ एंड आपको दिखाता हूँ आगे का सीन क्या है भाई। एंड सारी तरफ पानी पानी भर गई, तो यार फिलहाल तो मैं चलता हूँ खेतों की तरफ बिकॉज मेरे कंधे पे भारी बोझ लदे हुए हैं एंड ये सारा चीज़ है। तो यार और हल भी है पीछे, तो चलता हूँ यार मैं फ़िलहाल आगे खेतों की तरफ। ये भी बैल और ये सामान वगैरह हल वगैरह लेके जा रहा हूँ मैं, और भाई सारी तरफ पानी पानी भर गए हैं। भाई सामने नदी का हाल देख सकते हो, अभी तो काफ़ी पानी है बट रात को और ज़्यादा पानी है। जो आगे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है धारा बह रही है वहाँ तक पानी था रात में, बट अभी कम हो गई बिकॉज बारिश भी हल्की हो गई अभी। तो यार चारों तरफ पानी भर गया है और मैं भी मुझे लगता है कि हमारे खेतों में भी पानी आ गया है। तो पहले तो भाई नाला का बांध देखना पड़ेगा उसका क्या असर हुआ है। तो यार चलता हूँ अब खेतों की तरफ एंड दिखाता हूँ आप लोगों को कि भाई। तो यार मेरी मेहनत में पूरा पानी फिर गया है, देख सकते हो पूरा बहा के ले गया। यार ये देख सकते हो पूरा बहा के ले गया, पूरा का पूरा, बस एक लकड़ी बचा हुआ है और सारे कट्टे यहीं पे पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं भाई, ये हाल है भाई। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 और मैं हल खोल दिया हूँ बिकॉज यार मिट्टी बहुत कड़क हो चुकी है, पानी तो है खेत में, मिट्टी बहुत कड़क हो चुकी है, इस वजह से हल ही उखड़ गया, तो मजबूरन मुझे हल खोलना पड़ा। एंड इन खेतों को जोता मैंने, ये और नीचे के साइड 2 हैं, और यार इसको जोत रहा था इस वाले आगे वाले को तभी हल उखड़ गया। और भाई काफ़ी दिनों के बाद में फाइनली बारिश तो हो गई और खेतों में मेंढक की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के। अभी ये पानी तो शायद जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा बिकॉज पानी काफ़ी हो चुके हैं खेतों में, ये दिख रहा होगा हम लोगों को। और यार मेरे साथ पोपट हो गया यार, मेरा जो नाले का बांध था वो बुरी तरह से बिखर चुका है, कर सकते हैं इतनी मेहनत से हमने बनाया था, हम तो कर गया, पानी तो कुछ बहुत अंदर आ गया लेकिन पूरा का पूरा बह गया। और भाई साहब मेरा खाना भी आ गया। और यार इतना सारा मशरूम लेके आई है नेहा, पता नहीं कहाँ से मिला इसको, इतने लंबे लंबे हैं। और इस पे मेरा खाना बना है, आज इधर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय।